अपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चैनल पाठशाला सहयोगी चैनल हमारे और उनके सभी दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि बीपीएससी में लोगों को इंग्लिश में व्यूइंग के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, उनको एक मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जो बीच बीच में इधर मैं थोड़ा बिजी हो गया था उसमें ला नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर से अभी जो डिमांड थी जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स की, तो उस पर ये वीडियो आ चुका है। और तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, रिज़ल्ट आ गई है। जितने लोग भी क्वालिफाइड हुए हैं तो अपनी तैयारी को चार चांद लगाने में लग जाएं ढंग से, और अपने को पूरी तरह से मजबूत करते चले हर एक सेक्शन, क्योंकि सारा चीज़ आपके पास जो सिलेबस है वो आपके पास है, और आपको भी पता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो आप बस उसकी तैयारी में लग जाए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में जुट जाएं। हमने एक इनिशिएटिव एक लिया है दोस्तों, हमने कुछ कोचिंग्स हैं बहुत ही अच्छे कोचिंग्स हैं उनके वीडियोस वगैरह खरीदे हैं, ताकि जो जो बच्चे जैसे स्टैटिस्टिक्स में हिस्ट्री जो आर्ट एंड कल्चर वाली है, हिस्ट्री की जो कल्चर है बिहार रिलेटेड, पॉलिटी है, इस तरह के जो जो वीडियोस हैं, अभी पॉलिटी पे नहीं, अभी फ़िलहाल जो बात हो रही है मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी करंट क्या नाम है स्टैटिस्टिक्स की पहले वीडियो भी जारी की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत हो रही थी, तो वीडियो को वहाँ से काट कर आप लोगों के लिए मिनिमम प्राइस में वो किया जाएगा, जो कि वहाँ शायद 16 या 17,000 लगा कि, ताकि स्टूडेंट आप लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए वो हमने सब लोगों के स्टाफ के साथ प्लानिंग करके वो किया है कि आप लोगों पे बर्डन कम हो, क्योंकि उसको रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा उसको अलग से, तो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मेहनत वाला वो भी काम है, लेकिन हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, ताकि आपको जो जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम अच्छी तैयारी करें और मतलब अपने को चाह रहे हैं कि हम एक अच्छा पैटर्न वे में तैयारी करें, एक कोचिंग मिलता, एक सहारा मिलता, तो वो चीज़ आपको आपके लिए स्टैटिस्टिक्स मैं पहले पार्ट लाऊंगा। आपको जानकारी के लिए हमारे मेल पर ज़रूर कांटेक्ट कर लें, streetwalk007@gmail.com, तो उस पर हम हमसे बात कर सकते हैं, आप जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़ सकते हैं, और आपको वो धीरे धीरे लेक्चर अभी स्टैटिस्टिक्स की स्टार्ट की गई है, धीरे धीरे कोशिश की जाएगी आगे हिस्ट्री के स्टार्ट कर दी जाए, जो लोग जो नहीं कर पा रहे हैं आपको आपके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस उसमें की जाएगी और आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं तो देखते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो ये तो पहले तो बिहार में ही क्या, ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसकी ख्याति अभी मजबूत हो रही है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट ऑफ इंडिया ही नहीं, बिहार में नहीं, इंडिया का है। दिस आर्ट इज ट्रेडिशनली क्रिएटेड बाय वोमेन मिथिला रीजन का, जो मधुबनी चित्रकला इसको बोलते हैं, इतिहास का पुराना है मगर ख्याति हाल के दशकों में प्राप्त हुई है इसको। ठीक है, इसको मतलब पिछले कुछ दो तीस पिछले दशक में आप जाएंगे तो इसकी ख्याति को एक पंख लगा है जो बोल सकते हैं हम, यह लोक कला है, एक लोक कला, इसको फोक आर्ट भी बोलते हैं, जिसमें महिलाओं का ही पूर्ण भूमिका रहा है इसमें, जो स्टार्टिंग हुआ है मिथिला पेंटिंग का, तो मिथिला नाम ही से पता चलता है कि मिथिला रीजन की जितने भी महिलाएं थीं उसके लिए उनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें कि आप इसमें जान सकते हैं। हाँ, ये चित्र जो बनाया जाता था, जो ये फिगर बनाए जाते थे, देख सकते हैं आप द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स, ने पहले दो एक सेकंड सॉरी जो पेंटिंग इसमें की जाती थी वो उंगलियों से या बांस की कुची से बनाया जाता था, यहाँ आप देख सकते हैं, या ट्विक्स ब्रशेस निप्स पेंस मैच स्टिक्स ETC यूजिंग नेचुरल डाइज, जो है बांस की कुची से बनाया जाता था और उंगलियों से ज़्यादातर हरा पीला रंग यहाँ पे और नीला, केसरिया, नारंगी, बैंगनी, बट जो यूज़ होता था वो नेचुरल डाइज और कलर होता था, जो कि आँखों को बहुत ही आकर्षित करता था उसको, ज्योमेट्रिक द कलर यूज्ड मधुबनी पेंटिंग आर यूजुअली, यहाँ तो प्लांट से देख रहे हैं, प्लांट से और नेचुरल सोर्स से ही प्राप्त किया जाता था। रिचुअल्स इसमें, इसको ज़्यादातर रिचुअल्स में भी फॉलो किया जाता था, कि रिचुअल्स जो जो जैसे हमारे देश में सभ्यता है, जो भी है, बर्थ सेरेमनी हो गया, मैरिज सेरेमनी हो गया, और जो भी फेस्टिवल है उसमें भी इसका बहुत तरह से उपयोग यूज़ किया जाता था। इस पेंटिंग से अपने घर को सजाया जाता था और इसकी हर
एक फर्श, हर एक दीवारों को सजाया जाता था कि घर इससे बहुत ही सुंदर लगता था और सुहावन लगता था। तो यहाँ मैंने अभी बताया था कि ये फोक आर्ट है। मधुबनी पेंटिंग को दो भागों में बांटा गया था, जो कि एक वॉल पेंटिंग जैसा भी हमने बताया, और एक है अरिपन पेंटिंग जो कि फ्लोर पेंटिंग होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वॉल पेंटिंग दो तरह के फॉर्म हो गए हैं, जो कि एक कहते हैं डेकोरेशन ऑफ गोशनी घर, डेकोरेशन ऑफ गोशनी घर। गोशनी घर में होता है, यहाँ देख सकते हैं, तो पेंटिंग इज दिस कैटेगरी मेनली इंक्लूड द पिक्चर ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है ना, उसको सजाने का जो काम होता है वो गोशनी घर में, जो डेकोरेशन सजाने से ही इम्पोर्टेंस, मतलब वो गोशनी घर का मतलब ही हो गया कि रिलीजियस पेंटिंग्स को ड्रॉ करना, जैसे कि शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, दशावतार, यहाँ देख सकते हैं दुर्गा काली, इतने सारे लोग के, मतलब भगवान जी के जितने भी हैं, इनके इनके पिक्चर्स को वहाँ हम लोग डिपेक्ट करते हैं, वहाँ पेंटिंग में उभारते थे। ठीक है, और यहाँ पे जनरली इसको किया जाता था वो वोमेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड कायस्थ, वो जो वोमेंस ऑफ ब्राह्मण और कायस्थ की फैमिली वहाँ से जो बिलोंग करती थी, वो मेनली इसको फॉलो करते थे और मेनली वही उन लोगों को बनाया करते थे। डेकोरेशन ऑफ कवर रूम, कवर रूम जो है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे बना रहता था, जो तरह तरह के डिज़ाइन, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे डिज़ाइन, आप डिज़ाइन देखे होंगे, मैं उसकी एक झलक आपको दिखा दूँ थोड़ी, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये जैसे कि हो गया एक मोर का ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाला, सॉरी, ये देख सकते हैं, ये देखिए एक सर्कल बनाया हुआ है, और ये मछलियों के तरह से, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे कि जो भी हमारी रंगोलीज बनती हैं, ये जनरली इसी सब पे बेस्ड होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे, कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है, तो आगे भी हम दिखाएंगे इसी तरह, सारे भी इसी तरह हैं, देख सकते हैं आप। जैसे हमने बताया था कि राधा कृष्ण, ये पेड़ पौधे, देखिए भगवान में हनुमान जी का, ये सारे मिथिला पेंटिंग्स हैं, काली माँ का। चलिए अब आते हैं हमारे वीडियोस पे। तो जो कोबर राइटिंग है उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न अभी आपने देखा, पेंटिंग विच वेरियसली रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स टोकन आर ड्रॉन, जैसे अभी हमने देखा कितने वो तरह तरह के, जैसे कि मछली से उसको एक जैसे कि कर्व देना था, तो मछली को लगा दिया गया था चारों, मतलब गोलाकार एक आकृति में, तो इस तरह की आकृति से वो भव्य भव्यात्मक दृश्य वहाँ पे दिखाई देता था, एक अच्छा, मतलब कि किसी आँख को, मतलब किसी एक चेहरे को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रति और कामदेव आर ड्रॉन आउटसाइड द कोबर वेयर शेप ऑफ वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ड्रॉन इन साइड द कोबर, इस तरह का मान्यता था कि इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी वहाँ पे मिथिला पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया था। पिक्चर ऑफ याक्षिनीज आर नोन एज ड्रॉन एट द फोर कॉर्नर ऑफ द कोबर रूम, जैसा हमने देखा था कि जो पिक्चर है वो कॉर्नर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, जबकि बहुत सारे पेंटिंग्स में ऐसा नहीं था कि वो कॉर्नर छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ कॉर्नर पे भी पेंटिंग्स की बातें की जाती थी, पेंटिंग्स वहाँ दर्शाए जाते थे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप, एमंग दिस बनाना रिप्रेजेंटेड बीफी बॉडी फिश रिप्रेजेंट, अभी हमने देखा था कि फिश को कैसे वो लोग सजा रहे थे, पैरट थे, पैरट को जैसे फिश रिप्रेजेंट इरेक्टिज्म, फिर पैरट को दिखाया जाता था कैरियर ऑफ लव की तरह, बैम्बू आर प्रोग्रेशन ऑफ क्लेन, और लाइन को बताया जाता था पावर का प्रतीक, वो तो ऐसे भी है, एलिफेंट एंड हॉर्स को प्राइड का प्रतीक दिखाया जाता था, जो कि ये प्रथा पहले से ही थी। अगर ये आप दर्शा रहे हैं एलिफेंट को दर्शा रहे हैं, हॉर्स दिखा रहे हैं, अगर आपकी कोई सेना है, तो ये प्राइड की बात थी, उसी तरह ये सारे चीज़ का है, ये आप व्याख्या जरूर करें अपने आंसर में, लिखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर आते हैं अरिपन, जो दूसरा इसका पेंटिंग था वो अरिपन पेंटिंग, फ्लोर पेंटिंग, छत की साइड की दीवारें, छतें, ये सारे पेंटिंग्स में इसमें इंक्लूड होती थी। तो ट्रेडिशन ऑफ अरिपन इज़ वेरी कॉमन इन मिथिला, मिथिला तो आप जाने के नाम से ही मिथिला, क्योंकि मिथिला रीजन में ये फैला था, तो मिथिला रीजन के फैलने में इसको मिथिला भी बोलते हैं और मधुबनी भी बोलते हैं। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में आया था कि मधुबनी जो रेलवे स्टेशन था, ये एक एक साल 1.5 साल पहले
उनको रेलवे जो स्टेशन था उसको एक निगेटिव इम्पैक्ट में गया था कि वहाँ बहुत मतलब ख़राब स्थिति में है, तो उसकी रैंकिंग बहुत नीचे स्तर पे थी। तो वहाँ की महिलाओं ने और वहाँ के मतलब डिसीज़न लेकर वहाँ पर ये बात हुई कि उससे वो सजाया जाए मिथिला पेंटिंग्स के द्वारा। और वो उस टाइम अभी कुछ दिन पहले रैंकिंग आई है, तो A1 कैटेगरी में उसको नंबर 1 रैंकिंग मिला है, तो ये खुशी की बात है मिथिला पेंटिंग के चलते। तो दिस ट्रेडिशन हैज़ बिन कैरिड ओवर वुमेन फ्रॉम एजेस एंड फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर। जिस वुमेन जो बिलोंग करती थी वो उसी एक ट्रेडिशन की तरफ फॉलो होने लगा था। जैसे कि हमने बताया कि कायस्थ और ब्राह्मण्स वुमेन्स जो थे इस चीज़ को बनाने में थी, तो ऐसा था पहले कि कास्टिज्म के हिसाब से बाकी अदर कास्ट इसको बनाने की हिम्मत नहीं करते थे, नहीं बनाने का था। लेकिन धीरे धीरे एज ए रिफॉर्म की तरह वो धीरे धीरे आगते रिफॉर्म में सारा चीज़ सही हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं कि कास्टिज्म पे बेस्ड है, अब सारे लोग इसको बना सकते हैं, कोई भी इसको बनाने में समर्थ है, सबको ये हक है। द पेंटिंग ड्रॉन इन अ कोर्टयार्ड और फार्म्स आर्किट्रेव्स ऑफ द डोर विंडोज़ द पिक्चर मेड बाई यूजिंग फिंगर्स। जैसे हमने बताया था फिंगर्स से, टहनियों से, पेड़ों की टहनियों से उसमें रंग को डुबा के ऐसे ऐसे करके बनाते थे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो पेंटिंग्स थी उसको डिवाइड किया गया था 5 कैटेगरीज में। 5 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया था इसमें थे, जैसे एक सेकंड मैंने, हाँ ये जो कभी कभी आप देखते होंगे हमारे घर में, सॉरी अरिपन की बात कर रहे हैं, तो घर के अभी गांव में भी आपको देखने को मिल जाता होगा कि घर के आंगन में जैसे ही आंगन स्टार्ट होता है चौखट के सामने ज़मीन पर बनाया जाता था ये चित्र, वो अभी भी बनाया जाता है। इसको बनाने में क्या क्या यूज़ होता था आप भी जानते होंगे, आप घर में अभी गांव में कभी आप जाएं तो आपको सही में पता चलेगा कि चावल के पिसे हुए घोल, सिंदूर का घोल का प्रयोग करके महिलाएं अपनी उंगलियों से करके वो अरिपन का चित्र बनाती थीं। तो अरिपन जो थे वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, जैसे कि पिक्चर डिपेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, जैसे कि अभी हमने दिखाया कि ह्यूमन बींग्स थे, एनिमल्स में ये सब आ गए, हाथी थे, हाथी वगैरह, घोड़ा वगैरह, इन लोग का चित्र चित्रांकन उसमें पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। पिक्चर ऑफ फ्लावर्स, जैसा भी हमने दिखाया कि फ्लावर साइड साइड से घेराबंदी करके उसका डिज़ाइन एक बना बनाने के तैयार हो रहा था। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी गाइज, सॉरी। पिक्चर बेस्ड ऑन ऑक्यूल साइन, जितने साइंस वगैरह वहाँ यूज़ हो रहे थे उसके हिसाब से भी पूरी उसको व्याख्यात्मक तौर पे इसको दर्शाया जाता था। अरिपन पेंटिंग को फ्लावर, फ्रूट्स, ट्रीज वो बनाए जाते थे, गॉड्स गॉडेस बनाए जाते थे, जैसे हमने देखा हनुमान जी, काली माँ, उनके पिक्चर्स को डिपिक्ट किया जाता था, राधा कृष्ण के पिक्चर बहुत सारे वहाँ पे हैं। पिक्चर ऑफ वर्चुअस पायस सिंबल्स लाइक स्वास्तिक, डीप दीप वगैरह, स्वास्तिक वगैरह जो साइड साइड में देते थे, इससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती थी। तो स्वास्तिक वगैरह ये सब और दीप से सजाकर मतलब उसमें दर्शाया जाता था। दिस पेंटिंग एज अ फॉर्म ऑफ वॉल आर्ट वॉज वाइडली प्रैक्टिस थ्रू आउट द रीजन। वॉल आर्ट के तौर पे ये जो पेंटिंग थी ये बहुत ही वाइडली तौर पर फेमस हुई इस रीजन को लेकर। द मोर रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द पेंटिंग्स ऑन पेपर एंड कैनवास मेनली ओरिजिनेटेड अमंग द विलेजेस अराउंड मधुबनी, एंड इट दिस इज डेवलपमेंट लेड टू द नेम ऑफ मधुबनी आर्ट बींग यूज अलॉन्ग साइड द नेम ऑफ मिथिला पेंटिंग्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो कैनवास है, आप देखे होंगे कैनवास का एक जैसे लेदर जैसा एक आता है बैग वगैरह कैनवास, तो अब ऐसा है लेदर नहीं बोल सकते, मतलब वो कॉटन का बना हुआ चीज़ है, वो एक बैग दे दिया जाता था। अब उसको ये एज ए ट्रेड भी यूज़ हो रहा है कि उस पर भी चित्रांकन किया जा रहा है, उस पेंटिंग को उस बैग पर बनाकर, जैसे आप मार्केट में भी देखते होंगे, तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। ये मिथिला पेंटिंग का ही है कि वो बहुत ही आकर्षक लगता है, वो जो बैग्स वगैरह आप देखते होंगे, पेपर वगैरह देखते होंगे, साड़ी वगैरह देखते होंगे मिथिला साड़ीज की। तो ठीक है, द पेंटिंग वॉज ट्रेडिशनली डन ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल। जो गाँव में अगर आप घर देखे होंगे पुराने पुराने, तो जो मड वॉल थे, जो उसको बोलते हैं कि लीपा पोती कर कर नहीं बनाते थे, तो वहाँ पर वहाँ की महिलाएं उसको अपने हाथों से या पेड़ों की टहनियों से लाल रंग ये सब घोल बनाकर वो अरिपन पेंटिंग्स वगैरह ये करते थे लोग, जो कि मिथिला पेंटिंग का ही ये पार्ट है।
बट नाउ दे आर ऑल्सो डन ऑन क्लॉथ हैंडमेड पेपर फॉर एंड कैनवास। ये आप देख सकते हैं कि वो क्लॉथ्स पे भी यूज़ हो रहा है और हैंडमेड पेपर और कैनवास पे भी, ताकि इसकी ट्रेड में यूज़ हो, लोग इसको दूर दूर तक देखें। यही चीज़ फैलते फैलते ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी बहुत जगह ये गई है, ये बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है। मधुबनी पेंटिंग यूजेस टू डायमेंशनल इमेजिनरी। अब आप भी बता सकते हैं कि टू जो पेंटिंग हम कर रहे हैं तो इसमें तो टू डी भी बन सकता है, 3D भी बन सकता है। डायमेंशन समझ तो रहे होंगे कि जो अगर हम प्लेन पेपर पे अगर कोई चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसके दो डायमेंशन होते हैं, या तो एक लेंथ एक ब्रेथ, इसी तौर पे बना सकते हैं। तो इसको आप भी समझ रहे हैं कि इसमें 3D तो अभी बन नहीं सकता। तो जो इमेजेस बनाए जाते थे वो 2D के इमेजेस होते थे, मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो राइस का है उसको पाउडर्ड बनाकर, उसमें पानी का घोल बनाकर उसको यूज़ किया जाता था, और सिंदूर एक होता था, सिंदूर का भी घोल बनाकर लाल रंग और कलर यूज डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से तरह तरह के कलर्स यूज़ करके नेचुरली इसको निकाला जाता था। इसको देख सकते हैं आप, ये वहाँ से यूज़ करके इसको बनाया जाता था। ऑकर एंड लैम्प ब्लैक आर ऑल्सो यूज फॉर रेडिश ब्राउन। इसको आप सर्च कर सकते हैं। ऑकर एक तरह का येलो पाउडर होता है, येलोइस पाउडर और रेडिस ब्राउन पाउडर आप देखेंगे उसको, तो वहाँ से और ब्लैक, यहाँ लैम्प ब्लैक से निकल के वहाँ से जितने बोलते हैं ये नेचुरली ये जो फाउंड होते थे वहीं से इसको बनाया जाता था। मधुबनी पेंटिंग हैज़ रिमेन कंफाइंड टू द कॉम्पैक्ट ज्योग्राफिकल एरिया एंड स्किल पास ऑन थ्रू द सेंचुरीज। धीरे धीरे ये ज्योग्राफिकली एरियाज हर जगह छाने लगा और सेंचुरीज में ये पूरा धीरे धीरे ये पकड़ बना लेने लगा, शताब्दी दर शताब्दी। द कंटेंट एंड स्टाइल हैव लार्जली रिमेन द सेम। जैसा ही वो कंटेंट इसका था वो मेनली सेम ही था, वही चीज़ बनाना था, जैसे कि भगवान के चित्रांक उनकी कलाकृति को व्याख्यात्मक रूप से दिखाना दर्शाना, और पक्षियों को बनाना, पेड़ पौधे बनाना, थोड़े डिज़ाइन बनाने, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाना। मधुबनी पेंटिंग बिंग अकॉर्डेड कॉन्वर्टेड GI टैग। इसको GI टैग का भी दर्जा मिला है बिहार का। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये जरूर आप अपने आंसर में जरूर लिख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग बिंग अकॉर्डेड एज अ कॉन्वर्टेड GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पे इसको डाला गया है। तो GI टैग सिर्फ 3 से 4 पेंटिंग्स को ही मिले हुए हैं जिसमें से मधुबनी पेंटिंग्स का नाम आता है। तो मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट द मेन एंड इट्स एसोसिएशन विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक सन मून, रिलीजियस प्लांट लाइक तुलसी। तुलसी के पौधे को भी वाइडली पेंटेड अलॉन्ग विद द सीन ऑफ रॉयल कोर्ट एंड सोशल इवेंट लाइक वेडिंग। आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, डिपिक्ट मेन मतलब आदमी और नेचर से रिलेटेड, जैसे पेड़ पौधे हो गए, सन का बनाना, मून बनाना, रिलीजियस प्लांट लाइक तुलसी का पेड़ पौधों को वाइडली तौर पर उसको बनाया जाता था, और वेडिंग्स में ये सब ज़्यादातर यूज होता था। इसको भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जनरली नो स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है। बहुत जगह पेंटिंग्स में आप देखते होंगे कि साइड साइड में या सिर्फ किसी एक पर्सन पॉइंटेड जो फिगर बनते थे, जैसे कि अगर किसी पर्सन का बनाना है, कोई लोहार अपने लोहे से कुछ बना रहा है तो उसी का फोटो आएगा अगर, लेकिन साइड में वो खाली रहता है। लेकिन यहाँ पर इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने भी पेंटिंग्स इसमें देखेंगे ये देख सकते हैं, आप देखिए साइड में ये सारे भरे पड़े हैं, ये भी भरे हुए हैं साइड में, मतलब इसका कोई भी कोना खाली नहीं दिया जाता था। उसको किसी ना किसी जो मेटल पैटर्न वगैरह से इसको डिज़ाइन कर दिया जाता था और उसको खाली नहीं छोड़ा जाता था। एक सेकेंड, आप यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भूल बस यहाँ से लगता है छूट गया है, बाकी आप साइड में कोई भी यहाँ पे आप इसका एरिया नहीं देख सकते हैं। यही इसकी खासियत है कि हर एक जगह डिज़ाइन है इसमें, साइड में भी डिज़ाइन है, अगल बगल दाएं बाएं सारे जगह डिज़ाइन है। किसी तरह डिज़ाइन से इसको भरपूर मात्रा भरा जाता था कि लोगों को ये एक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाए और कोई भी इसको देखते ही के साथ अट्रैक्ट हो जाए। ये बहुत बड़ी खासियत थी। तो देर इज़ नो स्पेस लेफ्ट एम्प्टी, द गैप आर फिल्ड विथ पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड्स, जैसा भी हमने देखा, ज्योमेट्रिकल डिजाइन जैसा हमने देखा अभी। अ डबल लाइन यूजुअली ड्रॉन एज द बॉर्डर कलाकृति। डबल लाइन बॉर्डर यूज़ करते थे ज़्यादातर, देखे होंगे हम लोग लास्ट में
कि जो साइड साइड में हो, डबल लाइन बॉर्डर होता था, तो जो फेमस जो हुई थी वो कलाकृति के नाम से फेमस हुई थी दरभंगा में, वेदही इन मधुबनी में, बेनीपट्टी मधुबनी में, ग्राम विकास परिषद इन रंती में, एंड आर सम मेजर सेंटर ऑफ मधुबनी पेंटिंग विच केप दिस एंशियंट आर्ट फॉर्म लाइव। ठीक है, द स्टाइल ऑफ मधुबनी आर्ट, अब बोलते हैं तो द स्टाइल, यहाँ पे ये अगर आप दिखा देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। द स्टाइल्स जो हैं वो किस तरह थे, तो कछनी है, कोबर है, गोदना है, तांत्रिक है, भरणी है। इसके लिए हमने यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक्स रखी है, के के जी टी पी बोलते हैं ना कि चलो KKGTB जाए, तो ये GTB, जैसे यहाँ मुखर्जी नगर का स्टॉप पे जाना होता है दिल्ली में, तो KGTB नगर जाना होता है, तो अपने भोजपुरी स्टाइल में पूछा जाए तो KKGTB नगर चली, मुखर्जी नगर ये तो गढ़ होता है अपना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, के से कचनी, के से कोबर, जी से गोदना, टी से तांत्रिक, बी से भरणी। ये आप इस तरह अगर आप मैप में दिखाते हैं तो आपके आंसर में चार चांद लग जाएंगे और दो तीन चार नंबर आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये जरूर आप दिखाएंगे कि देयर आर फाइव डिस्टिंक स्टाइल ऑफ मधुबनी आर्ट इन 1960, भरनी, कचनी, तांत्रिक स्टाइल। यहाँ से आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वेयर मेनली डन बाई ब्राह्मण कायस्ट वोमेन हु आर अपर कास्ट। ये तो हम जान रहे हैं कि ब्राह्मण कायस्ट वोमेन ही इसको फॉलो करते थे, तो ये कौन से जो थे 1960s के समय जो फेमस होना स्टार्ट हुआ ये, तो भरणी, कचनी और तांत्रिक, BKT, यही तीनों इसमें से जो इस पांच स्टाइल में से भरणी, कचनी और तांत्रिक स्टाइल जो है वही बनाए जाते थे ब्राह्मण कायस्थ के द्वारा। जैसे कि उसमें भगवान का चित्रांकन होता था, शादी के विवाह में जो बनाए गए जितने भी कलाकृतियाँ थे वो सब थे, तो जनरली ब्राह्मण और कायस्थ वोमेन इसको बनाते थे जो कि अपर कास्ट वोमेन हैं थे और हैं। मधुबनी आर्ट हैज़ बिकम ग्लोबलाइज्ड आर्ट फॉर्म। अच्छा, इसको ग्लोबलाइज आर्ट बोल सकते हैं। जो जापान है, जापान में एक सिटी है, वहाँ पर मधुबनी आर्ट का एक संग्रहालय है जिसको हम लोग म्यूज़ियम बोलते हैं, जापान में है, जर्मनी, जापान, मतलब हर जगह, मतलब इसकी जो व्याख्या बढ़ रही है आप इसको देख सकते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसको स्प्रेड किया जा रहा है और लोगों को बहुत ही आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ, आकर्षित करती आ रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। दे आर वर्किंग ऑल फाइव स्टाइल। देखिए यहाँ से जो बात हो रही थी कि ग्लोबलाइज आर्ट तो हो गया है, फ्रॉम नाउ देर इज़ नो डिफरेंस इन वर्क ऑफ आर्टिस्ट ऑफ द रिलीजन। जो पहले सिस्टम चला आ रहा था कि वो जो सिर्फ ब्राह्मण कायस्थ वुमेन्स जो करते आ रही थी, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे ये कास्टिंग मतलब हावी होना बंद हुआ, तो अब ऐसा है कि जो भी महिलाएं जो भी कर रही हैं, चाहे कोई भी कर रहा है, ये कास्ट से हटकर हो गया है और यहाँ पे हर तबके की महिलाएं, हर तबके के लोग इसे बनाते हैं, जो भी इसमें एक्सपर्ट है लोग उसे सिखाते हैं, लोग इसे बनाते हैं और ये बहुत ही बड़ा ट्रेड का केंद्र भी बनता जा रहा है मधुबनी आर्ट, जो कि हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए एक अच्छा शुभचिंतक, मतलब चिंता की बात नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी बात है बिहार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे अगर फैल रहा है तो इसे हमें ट्रेड के तौर पे अगर इसे बढ़ाना चाहिए तो हमें इस पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। तो रोल ऑफ आर्टिस्ट, जो यहाँ से आर्टिस्ट हमारे निकल के आए हैं मधुबनी आर्टिस्ट, इनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए बिकॉज इन्हीं के चलते ये लोगों में आया। मधुबनी पेंटिंग रिसीव द ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन इन 1969 व्हेन सीता देवी, अ वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग, रिसीव अ स्टेट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो बिहार गवर्नमेंट है उस स्टेट अवार्ड उनको दिया था कि सीता देवी, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें पद्मश्री भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। इनको पद्मश्री मिला है 1981 में और भारत रत्न मिला है 1984 में, शिल्प गुरु अवार्ड मिला है 2016 में। तो सीता देवी ने बहुत ही परचम लहराया है मतलब इस मधुबनी पेंटिंग्स का इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो इनको जो भारत रत्न भी मिल चुका है आप देख सकते हैं 1984 में। चलिए, आर्टिस्ट हु मेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो अब एक साथ में लिख सकते हैं, तो सीता देवी हैं, आप देख सकते हैं नाम भी ऐसे हैं जो आपको याद हो जाएंगे, जैसे कि सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, यमुना देवी, शांति देवी, शशिकला देवी, लीला देवी, आप ये रिसीव करके लिख के रख सकते हैं, आप मतलब तीन चार नाम जरूर मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। अब इसको लास्ट करते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग है इन मॉडर्न टाइम्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली द मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार
ऑफ इंडिया क्रॉस द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़। ये तो हम जान रहे हैं कि ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हुए वो नेपाल में तो फैला ही था, नेपाल क्या जापान, जर्मनी, चाइना, मतलब बहुत जगह ये है, तो कमाची सिटी जापान, जापान में जो इसका मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बना हुआ है वो भी एक केंद्र बना हुआ है, लोगों में इसकी अच्छी पहुंच जा रही है, बहुत ही अच्छे तौर पे इसकी इमेज क्रिएट हो रही है बिहार को लेकर भी। रीचिंग कोनाइशियर ऑफ द ऑफ आर्ट बोथ एट नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल लेवल, द वोमेन हु प्रैक्टिस दिस आर्ट फ्रॉम विलेज यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अवेयरनेस। अब इसको एज अवेयरनेस के तौर पे भी देखा जा रहा है, जैसे कि हम जैसे हमने कुछ दिन पहले अभी बताया कि एक जो खराब रेलवे स्टेशन से एक अच्छे रेलवे स्टेशन, बेस्ट रेलवे स्टेशन के नाम पे मशहूर हुआ बिकॉज ऑफ मधुबनी आर्ट। वहाँ पर भी बहुत सारे कलाकृतियाँ दिखाए गए, वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया गया, जो वहाँ पे इमेजेस वहाँ बनाए गए हैं उसको रिगार्डिंग, तो इनकी जो महिलाएं इनसे बना रही हैं, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज टू एम्पावर वुमेन्स। आर्टिस्ट लाइक कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी एंड दुलारी आर प्लेइंग की रोल। इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तौर पे टीचिंग भी करा रही हैं अदर वुमेन्स को, बता रही है मधुबनी पेंटिंग्स की इम्पोर्टेंस को। देयर वर्क आर डिस्प्लेड इन म्यूजियम इन जापान, जैसे भी हमने बताया, तो कमाची सिटीज ऑल्सो देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन नियर मिथिलास। मतलब मिथिलास क्या है? ये ऑल ओवर बिहार, ऑल ओवर इंडिया और जापान वगैरह, जापान, जर्मनी, ये सारे जगह मतलब फैल रहे हैं धीरे धीरे। दैट टीचिज मधुबनी पेंटिंग टू यंग आर्टिस्ट। अब बात करते हैं कि ये तो है यंग आर्टिस्ट को, हाँ टीच, एक टीच हो गई, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। तो हाँ, एक चीज़ आप यहाँ लास्ट में मेंशन जरूर कर सकते हैं कि ये एक ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रेड बता रहा है, कि जो यहाँ से ये आप इसको एक रूप दे सकते हैं कि बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सारे जगह ये फैला जा रहा है, और ये बिहार के लिए सब अच्छी बात है, खुशी की बात है कि यहाँ से आप ट्रेड के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ से आपको लगे कि हाँ, क्योंकि ट्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब आप पेंटिंग्स देख सकते हैं। अमेज़न की बातें हैं, ये देख लीजिए, यहाँ ये मैंने जो क्लिक ली है अमेज़न पे है, कोई फ्लिपकार्ट से है, तो ये सारे मतलब सेलिंग पे लगे हुए हैं। तो आप जान सकते हैं इस पेंटिंग्स की इतनी, और कीमत भी इसकी अच्छी खासी है। तो एज ए ट्रेड के तौर पे भी मिथिला पेंटिंग्स को देखा जा सकता है, और इसे भरपूर मात्रा में सहयोग मिलना चाहिए गवर्नमेंट को भी, कि जो महिलाएं इसे बना रही हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको एक अच्छी एक सेटअप करने के लिए जरूर दिया जाए, जिससे कि वो भी अपने इस ट्रेड को बढ़ाएं और बिहार का इसमें, बिहार की भी एक भूमिका बने, बिहार के इकोनॉमिक में भी इम्पैक्ट हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे, ये देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि अमेजोन पे देखिए 800, एक ये जस्ट ये पेंटिंग के 800-900 अप्रोक्स अमेजोन पे ये देख सकते हैं। तो एज ए ट्रेड के रूप में भी ये बिहार को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा, तो इस पे ज़रूर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, जैसा हमने बताया आप ज़रूर हमें मेल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे किसको लेकर जो भी टॉपिक्स हैं ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियोस कैसा लगा ज़रूर बताएं, कुछ कमियां रह गई उसे आप ज़रूर हमें बताएं, मेंशन करें क्या और उसमें ऐड ऑन होना चाहिए था। वैसे जितने भी बनाए हैं मैंने उसको ज़रूर आप ध्यान रखें, यहाँ देख सकते हैं KKDTV, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, कहाँ कहाँ किस रीजन में ये फैला था, दरभंगा, मधुबनी, नेपाल, जापान, जर्मनी, ये सब सब आप बता सकते हैं। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, वेडिंग पे ज़्यादा फोकस्ड, एक रिविज़न के तौर पे बता रहा मैं रहा हूँ, कौन सा पेंटिंग यूज़ होता था, तो पेंटिंग जो होममेड पेपर पे, कैनवास पे, सारे जगह ये फैलने लगे थे। अरिपन पेंटिंग्स था, स्वास्तिक, जो कि अरिपन पेंटिंग में फ्लावर, फ्रूट्स, ट्रीज, और यहाँ मैंने बताया था कि कोई भी इसका एरिया छोड़ा नहीं जाता था। हाँ तो दोस्तों तो रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।